कूदे जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी की हमारी जो टॉप एमसीक्यू सीरीज टारगेट ऑन प्लेम्स की जो सीरीज चल रही है, उसमें हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम जो पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, वह सिलेबस है भारतीय इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम जो आधुनिक भारत की चर्चा कर रहे हैं, उसमें आज का हमारा जो विषय है वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम जानेंगे कि गांधी जी का क्या योगदान रहा और गांधी जी ने क्या ऐसा कार्य किया कि जिस कारण से आज के समय में हम गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो इन सब चीजों को आज हम समझते चलेंगे और आंदोलन में इनके योगदान को भी, इनकी भागीदारी को समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर, वह पिछले कुछ क्लासेस को जरूर देखें। और आज जो टॉपिक हो रहा है, अगर पिछले क्लासेस को आपने नहीं देखा है, तो आज के टॉपिक को भी अगर देखते हैं तो बिल्कुल ये शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से चीजें करवाई जा रही हैं, तो वहां से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो जैसे मैंने बताया कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होने वाला है, उस आंदोलन में हम जो देखेंगे, आज की जो चर्चा होगी वह होगी गांधी जी के बारे में। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितना कांग्रेस का योगदान था, कांग्रेस के नेताओं का योगदान था, उतना ही हमारे यहाँ भारत में हम देखते हैं कि गांधी जी का भी योगदान था। तो सबसे पहले हम जानेंगे गांधी जी के बारे में। ठीक, तो गांधी जी के बारे में अगर हम देखें तो गांधी जी के जीवन परिचय को, गांधी जी का जीवन परिचय सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, या महात्मा गांधी के बारे में हमें जानना होता है, महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक, तो शुरुआत हम करेंगे महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी को जानेंगे, इनके संबंधित सभी घटनाओं को समझेंगे। महात्मा गांधी, इनके अगर जन्म की अगर मैं बात करूं, जन्म की, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इनके जन्म की अगर बात करूं स्थान की, तो वह स्थान था पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या 2 अक्टूबर जो है, इस दिन को किस रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं और विश्व में सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में बताइएगा। ठीक, जन्म के अलावा अगर हम देखें, इनके पिता का नाम हमें जो मिलता है, वह मिलता है करमचंद गांधी। साथ ही साथ इनकी माता, जिनका नाम है पुतली बाई, माता का नाम पुतली बाई। ठीक, अभी हम जो देख रहे हैं वह देख रहे हैं गांधी जी का जीवन परिचय, फिर इनसे जुड़ी हुई घटनाओं को हम लोग देखते चलेंगे। ठीक, तो माता कौन हुई? पुतली बाई। इसके अलावा गांधी जी का विवाह जो है वह होता है कस्तूरबा गांधी से। इनकी अगर पत्नी की अगर हम बात करें, तो उनका नाम होता है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी से अगर इनकी विवाह की अगर हम बात करें, तो 13 वर्ष की उम्र में उस समय गांधी जी का विवाह हो गया था। गांधी जी का इनसे विवाह हो गया था। इनसे इनके चार पुत्र हुए। ठीक, चार पुत्र हुए, जिसमें एक था हरिलाल, दूसरा मणिलाल,
तीसरा रामदास और चौथा देवदास। क्लियर है? यहां पर गांधी जी के चार पुत्र थे, याद रखिएगा गांधी के चार पुत्र, जिसमें एक थे हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा हम अगर देखें गांधी जी के जो प्रिय भजन थे, जिनको गांधी जी हमेशा सुनना पसंद करते थे, तो गांधी जी के जो प्रिय भजन, गांधी जी के अगर प्रिय भजन की मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहला एक भजन हमें मिलता है जो था रघुपति राघव राजा राम। यह एक गांधी जी का प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और यह गीत लिखने वाले जो थे उनका नाम आपको एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी जी का प्रिय भजन तो था, परंतु उनके जो गीतकार थे जिन्होंने लिखा था उनके बारे में आपको एग्जाम में पूछेगा, तो आप बताएंगे विष्णु दिगंबर पालुस्कर। क्लियर है? विष्णु दिगंबर पालुस्कर। इसके अलावा इनका एक और प्रिय गीत था, एक भजन था जो था वैष्णव जन ते नहीं कहिए पीर पराई जानी रे। क्लियर है? बहुत बार कभी भी आप स्वतंत्रता दिवस या गांधी जयंती के अवसर पर ये दो गीत प्रमुख रूप से आप सुनते हैं, जिसमें एक गीत लिखा गया था विष्णु दिगंबर पालुस्कर के द्वारा और दूसरा गीत था नरसिंह मेहता जी के द्वारा लिखा गया था, नरसिंह मेहता। तो ये दो गीत याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है और दो गीत के लिखने वाले कौन थे इसके बारे में भी आपको प्रश्न किया जाता है। तो गांधी जी के ये दो प्रिय भजन थे। इसके अलावा हम देखें तो गांधी जी को अलग अलग नामों से भी पुकारा गया। तो गांधी जी को जो उपाधियां मिली हुई थी, ठीक है, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। टाइटल्स के बारे में अगर देख ले, उपाधियों की अगर चर्चा कर ले, तो गांधी जी को जो उपाधियां मिली थी उसमें सबसे पहला हमें उपाधि मिलता है महात्मा का उपाधि, महात्मा गांधी जो कहा जाता है। तो पहली एक उपाधि जिसे में महात्मा, ठीक। महात्मा की अगर बात करें तो यह महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह उपाधि किसने दी थी याद रखेंगे, जितने भी चीजें बता रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यह उपाधि दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा बापू कहा जाता था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बापू कहा जाता था गांधी जी को बापू कहा जाता था। इसके अलावा हम देखें उपाधियों में, तो अगली उपाधि है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपति नहीं मैं बोल रहा हूं, ध्यान देंगे, राष्ट्र के पिता कहा गया गांधी जी को। और यह बात कही थी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्रपिता। इसके अलावा अर्धनग्न फकीर कहा गया विंस्टन चर्चिल के द्वारा अर्धनग्न फकीर कहा गया। एक और टाइटल है, ठीक, उसे भी याद रखिएगा, वन मैन बाउंड्री फोर्स भी गांधी जी को कहा गया। और यह कहने वाले थे लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, जो भी चीज मैं बता रहा हूं, गांधी जी को जो उपाधियां हैं ये भी प्रश्न आपके बनते हैं। गांधी जी से जुड़ा हुआ हर एक शब्द
हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब जानते हैं गांधी जी के पत्रिकाओं के बारे में और पुस्तकों के बारे में। ठीक, तो गांधी जी की पत्रिकाएं और पुस्तकें जो गांधी जी ने लिखी थी, ठीक, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला हमें मिलता है इंडियन ओपिनियन, जो साउथ अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने लिखा था, और ये लिखा था इन्होंने वर्ष 1903 में। इंडियन ओपिनियन याद रखेंगे। इसके अलावा एक और पुस्तक आपको मिलेगी, वह है यंग इंडिया, याद रखेंगे यंग इंडिया। ठीक, और यंग इंडिया जो लिखी गई थी, यह लिखी गई थी वर्ष 1919 में। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, नव जीवन और हरिजन। ठीक, तो यह कुछ गांधी जी की पत्रिकाएं थी। इसके अलावा जो बुक्स की अगर बात करें, गांधी जी ने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, तो उसमें हमें मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको आपको हमेशा याद रखना है, वह है हिंद स्वराज। साथ ही साथ एक और पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्लियर है? तो ये कुछ गांधी जी की पत्रिकाएं और पुस्तकें जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है। जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, साथ ही साथ आप नोट करते चले और ध्यान से समझते चले। ठीक, गांधी जी के प्रेरणा स्रोत की अगर मैं बात करूं कि गांधी जी इंस्पायर कहां से होते थे, किन किन लोगों से गांधी जी इंस्पायर हुए थे, गांधी जी के इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें सबसे पहले गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु की अगर चर्चा करें, आध्यात्मिक गुरु की अगर बात करूं तो उनका नाम था टॉल्स्टॉय। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम था टॉल्स्टॉय। क्लियर है? आध्यात्मिक गुरु। और गांधी जी को जिन्होंने राजनीति में और पॉलिटिकल गुरु कहलाए, गांधी जी को राजनीति सिखाने वाले, वह थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने गांधी जी को राजनीति में लेकर आए, पॉलिटिकल मेंटर कहलाए। इसके अलावा अन्य कुछ विचारों पर चर्चा करें तो गांधी जी ने थोरो के विचार से उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस के थॉट्स या विचार लिए, जिसमें जो हम हिंदी में जानते हैं सविनय अवज्ञा, यह जो आंदोलन आपको देखने मिलेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके विचार जो है थोरो से लिए गए थे। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा जॉन रस्किन की पुस्तक अंटू द लास्ट से गांधी जी ने सर्वोदय की विचारधारा ली। और सर्वोदय का अर्थ होता है सबका साथ सबका विकास, अंतिम छोर के उस व्यक्ति को
रोटी कपड़ा और मकान मिलने जैसी मूलभूत सुविधाओं के बारे में यहां पर गांधी जी ने कहा है। इस रस्किन के अनटू द लास्ट नामक बुक से उन्होंने यह थॉट लिया था। क्लियर है? ठीक। तो गांधी जी के क्या है? प्रेरणा स्रोत। गांधी जी के प्रेरणा स्रोत। ठीक, इतनी चीजों को देख लिए, ध्यान समझ में आया। ये गांधी जी का क्या था? जीवन परिचय था। गांधी जी का जीवन परिचय। अब गांधी जी के जीवन को हम देखते हैं। ये तो हो गया इनके शुरुआती, जो इनके जीवन के बारे में कि भाई इनके कितने पुत्र थे, कितने यहां पर इन्होंने कौन कौन से विचार कहां कहां से लिए, कौन सी पत्रिकाएं थी, इनके बारे में जाना। अब देखते हैं गांधी जी ने मूवमेंट की शुरुआत कैसे की, क्या क्या मूवमेंट, क्या क्या आंदोलन गांधी जी ने करे। ठीक, शुरुआती जीवन में अगर देखें तो गांधी जी ने अपनी शिक्षा, एजुकेशन जो ली, और बैरिस्टर लॉ की जो पढ़ाई की, वकालत की जो पढ़ाई की, वह की लंदन से। और लंदन से पढ़ाई करने के बाद ये वापस गुजरात में आ गए। गुजरात में कुछ समय रहने के पश्चात यहां उन्हें अब्दुल्ला एंड कंपनी, जो अफ्रीका की एक कंपनी थी, अब्दुल्ला एंड कंपनी, उनके द्वारा गांधी जी को अफ्रीका बुलाया गया और गांधी जी वर्ष 1893 में अफ्रीका पहुंचे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी जी के बारे में हम जो चर्चा करेंगे अब करेंगे, गांधी जी कहां? अफ्रीका में। गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। ठीक, गांधी जी अफ्रीका में कब गए, क्या घटनाएं हुई, उसे देखेंगे। ठीक है, गांधी जी अफ्रीका में। ठीक, सबसे पहला चीज कि गांधी जी अफ्रीका कब पहुंचे, तो वर्ष 1893 में गांधी जी को अब्दुल्ला एंड कंपनी ने बुलाया था। ठीक, और वर्ष 1893 में गांधी जी डरबन से जब प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करते समय गांधी जी को एक भेदभाव, अंग्रेजों की नस्लवादी नीति का सामना करना पड़ा, और एक घटना उस प्रकार से थी कि गांधी जी एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर चढ़े थे, अफ्रीका की बात है, फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर चढ़े थे। ट्रेन में यात्रा के दौरान कुछ अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को कुली कहकर बोला गया, क्योंकि वहां पर जो काले जो लोग थे उनको कुली कहा जाता था, एशिया से जो आने वाले लोग हैं उनको कुली कहते थे लोग। ठीक, तो कुली कहकर कहे जाने के पश्चात इन्हें कहा गया कि ये जो बर्थ है, या बोलना चाहिए फर्स्ट क्लास है, ये काले लोगों के लिए नहीं है, आपको जाना चाहिए सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में। और गांधी जी बोले कि मेरे पास तो फर्स्ट क्लास की टिकट है, मैं तो बैठूंगा तो यही बैठूंगा। ठीक, क्योंकि गांधी जी एक शिक्षित व्यक्ति हैं और शिक्षा उन्होंने लंदन में ली है। आप ये चीज को समझिए कि उन्होंने शिक्षा कहां से ली? लंदन से। और वो जानते हैं कि अंग्रेजों की नीति में तो ये सब चीजें रेसिज्म जैसी नस्लवादी नीति जो है ही नहीं, परंतु यहां पर अफ्रीका में आकर क्या देखते हैं कि यहां पर जो अंग्रेज है इन्हें नस्लवादी टिप्पणियां कर रहे हैं और इनको ट्रेन से फर्स्ट क्लास में, जो गांधी जी ने जब मना किया तो उसी ट्रेन से गांधी जी को उतार दिया गया। ठीक, तो गांधी जी को जब वो यात्रा कर रहे थे तो जिस रेलवे स्टेशन में उतारा गया उसे भी आप याद रखेंगे, गांधी जी को सेंट पीटर मैरिट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन में उतार दिया गया गांधी जी को। क्लियर है, याद रखेंगे। एक इमेज में भी आपको दिखा दूं, ये जो इमेज आप देख रहे हैं आज के समय में उसी साउथ अफ्रीका के पास सेंट पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन के पास आज गांधी जी की यही प्रतिमा लगाई गई है, जो याद दिलाती है कि गांधी जी कि शुरुआती दौर में जो नस्लवादी टिप्पणियां झेले थे तो कहां पर उनको उतारा गया था, तो वहीं पर एक गांधी जी की ऐसी मूर्ति भी हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा जब गांधी जी ने सेंट पीटर मैरिट्सबर्ग नाम के रेलवे स्टेशन में उतरे, तब इनको कुछ तो शुरुआती दौर में समझ में नहीं आया, परंतु जब ये अफ्रीका में कुछ समय रहते हैं, वहां के लोग इनको बताते हैं कि यहां पे
यहां पे ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है। अंग्रेज जो है जो कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, वह भेदभाव आपको यहां अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और इसका हमें क्या करना चाहिए, गांधी जी कहेंगे इसका हमें आगे क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। और विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने उस समय एक नटाल कांग्रेस की भी स्थापना की। अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने एक अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसको कहा जाता है नटाल कांग्रेस। नटाल कांग्रेस याद रखेंगे, गांधी जी ने एक संगठन बनाया जिसको कहा नटाल कांग्रेस। नटाल कांग्रेस ठीक, नटाल जो है, नटाल एक प्रांत है, उसी के नाम से नटाल कांग्रेस बना। ठीक, इसी बीच हमें देखने मिलता है कि जब गांधी जी यहां रह रहे होते हैं तो यहां पर अंग्रेजों के द्वारा एक नया नियम या उस समय का एक कानून बनाया जाता है। उसके तहत कहा जाता है कि जितने भी अफ्रीका से बाहर के देश के लोग हैं, या बोलना चाहिए मूलतः एशियाई लोग, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि देश से जो लोग जाते थे, उनके लिए विशेष रूप से यहां पर कहा गया कि उन्हें एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन में उन्हें अपने अंगूठे के निशान देने होंगे, जैसे आप आधार कार्ड में अपने अंगूठे के, अपने फोटो ये सब जीत दिए हैं, वैसे इसमें अंगूठे के निशान मांगे गए। और यह रजिस्ट्रेशन जो करवाना था केवल और केवल मजदूरों के लिए था जो बाहर से आए हुए हैं, प्रवासियों के लिए विशेष रूप से बनाया गया। अब इस रजिस्ट्रेशन बिल का विरोध गांधी जी करने लगे, और गांधी जी यह विरोध करते हुए हमको देखने मिलता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह, गांधी जी का याद रखिएगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह वर्ष 1906 में अफ्रीका में हुआ। इसी समय इसी रजिस्ट्रेशन बिल का विरोध करते हुए गांधी जी का पहला सत्याग्रह हमें देखने को मिला, पहला सत्याग्रह अफ्रीका में किया गया। ठीक, तो याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूं भारत की नहीं, ये बात हो रही है अफ्रीका की। तो अफ्रीका में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया और एक रजिस्ट्रेशन बिल का विरोध किया। आपको याद होगा अगर कभी आपने गांधी मूवी देखी होगी तो गांधी मूवी में वहां पर दिखाया जाता है उस पिक्चर में कि गांधी जी एक पेपर जो है उसे एक आग के कुंड में क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, और वहां अंग्रेज जो है उनके हाथों में लाठियां मार रहे हैं। एक सीन कभी आपको याद होगा तो अच्छी बात है, वरना आप जरूर उस गांधी मूवी को देखिएगा। तो वहां पर यह घटना होती कि गांधी जी क्या करते हैं, जितने भी लोगों ने यहां पर अपना थंब इंप्रेशन दिया था, हस्ताक्षर दिए थे, उन सभी लोगों के फॉर्म को गांधी जी इकट्ठा करते हैं और उसे आग में शांतिपूर्ण आंदोलन करते हुए उस आग में जलाने का प्रयास करते हैं। जब यह कार्य गांधी जी के द्वारा किया जाता है तब गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। परंतु गांधी जी आम इंसान नहीं है, आम इंसान नहीं है, अफ्रीका में बहुत सारे अशिक्षित लोग रहते थे। ठीक है, इसी कारण तो गांधी जी को वकील के रूप में बुलाया जा रहा है। अफ्रीका में अगर वकील होता, वहां अगर अंग्रेज वकील की बात नहीं कर रहा हूं, एशियाई मूल के वकील की, वैसा अगर कोई वकील होता तो गांधी जी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट गांधी जी एक पढ़े लिखे शिक्षित बैरिस्टर थे, वकील थे, इस कारण से उनको बुलाया गया। तब यहां गांधी जी जब जेल में भी जाते हैं तो उनको पता है कि अपनी बात कैसे रखनी है, बिल्कुल अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, और अपनी बात रखने के लिए क्या लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे, और लेटर लिखेंगे लंदन में एक ऑफिसर को। लंदन में एक ऑफिसर को जब ये वहां पर लेटर भेजते हैं कि लंदन की गवर्नमेंट को जानकारी देते हैं कि इस प्रकार के यहां पर अंग्रेज जो है, यहां के साउथ अफ्रीका के जो अंग्रेज हैं, इस प्रकार के गलत कार्य कर रहे हैं जिसका हम विरोध कर रहे हैं, तो ये हमें क्या कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, और हम जो मार्ग में चल रहे हैं वो मार्ग भी सत्य का मार्ग है और हम इससे कभी पीछे हटने वाले नहीं है, बशर्ते आपको क्या करना होगा, यह बिल वापस लेना होगा। जब यह बिल वापस लेने की बात आई तो अंग्रेजों को मजबूरन यहां पर दबाव बना, गवर्नमेंट से, ब्रिटेन की गवर्नमेंट से दबाव बनने के पश्चात अंग्रेजों ने यह बिल निरस्त कर दिया और गांधी जी यहां पर जेल से रिहा हो गए। गांधी जी ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों को दुश्मन मानते थे, आपको देखने मिलेगा कि गांधी जी ने वहां पर जब एक युद्ध भी हुआ था अंग्रेजों का, डचों के साथ एक युद्ध हुआ था जिसको बोअर वार कहा जाता है, उस युद्ध में स्पेशली गांधी जी ने इन्हीं लोगों के साथ मिलकर, अफ्रीका के लोगों के साथ मिलकर एक एम्बुलेंस बनाया था जिसमें जो भी घायल व्यक्ति थे उनका इलाज गांधी जी के और उनके सहयोगी के द्वारा किया जाता था। तो ऐसे हमारे गांधी जी थे जो दुश्मन को दुश्मन नहीं मानते थे, मतलब अंग्रेज को यहां पर दुश्मन न मानकर अपने मित्र की तरह देखते थे, परंतु हाँ अगर वो कोई गलत नीति यहां लागू करने का प्रयास करते थे तो उसका विरोध भी करते थे। तो इस प्रकार से गांधी जी के शुरुआती सत्याग्रह
कि आंदोलन हमको अफ्रीका में देखने मिले। आगे चलकर गांधी जी ने इन्हीं अफ्रीका में रहते हुए इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका लिखी थी, वर्ष 1903 में उन्होंने जारी किया था। फिर हमें देखने मिलेगा कि गांधी जी जो है अफ्रीका में दो आश्रम का निर्माण करेंगे, दो फार्म का निर्माण करेंगे। याद रखेंगे दो फार्म कौन कौन से हैं, एक है जिसे हम कहेंगे फिनिक्स फार्म, फिनिक्स फार्म, और दूसरा है टॉल्स्टॉय फार्म, दूसरा है टॉल्स्टॉय फार्म। तो यहां पर दो आश्रम जो है गांधी जी के द्वारा बनाए गए, और ये आश्रम उन आंदोलनकारियों के लिए थे जो अपने घर बार छोड़ चुके हैं और घर बार छोड़ करके गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़े हुए हैं। तो उनके रहने खाने की व्यवस्था यहां पर गांधी जी के द्वारा की गई थी। इसे कहा जाता है क्या, फार्म या आश्रम। तो फिनिक्स फार्म या टाल्टा आश्रम, ये फार्म जो है आपको कहां देखने मिलेगा, अफ्रीका में देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा यहां पर एक और उस समय बिल आता है जिसका विरोध गांधी जी करेंगे, एक मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल आता है। ठीक, इस मैरिज बिल के तहत गांधी जी और वहां पर अफ्रीका में जितने भी लोग थे उनके ऊपर यह बिल में यह कहा जाता है कि भाई जितने भी ईसाई धर्म के अनुसार जिन्होंने विवाह नहीं किया है उनके विवाह को, उनकी शादी को यहां पर निरस्त किया जाता है, इनवैलिड किया जाता है। और इस बिल का भी गांधी जी क्या करेंगे, विरोध करेंगे वहां पर। ठीक है, दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कभी आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा। वैसे अफ्रीका से संबंधित बहुत ही कम घटनाओं के बारे में सीजीपीएससी आपसे प्रश्न करता है, फिर भी थोड़ी कुछ घटनाओं के बारे में आपको जानना चाहिए, शुरुआती जीवन के बारे में गांधी जी के जानना चाहिए। ठीक, इसके अलावा यहां गांधी जी का एक मित्र था जिसका नाम था सी एफ एंड्रयूज, और ये सी एफ एंड्रयूज जो है एक पादरी था जो चर्च में जो पादरी होता है वही पादरी था। कौन, सी एफ एंड्रयूज, जो गांधी जी का मित्र था, और इसे हम दीन बंधु के नाम से भी जानते हैं। दीन बंधु, याद रखिएगा, दीन बंधु एग्जाम में पूछ लेगा गांधी जी का वह कौन सा मित्र था जिसे दीन बंधु कहा जाता है। तो दीन बंधु कहा जाता है सी एफ एंड्रयूज को। इसके अलावा यहां गांधी जी के जीवन में हमको एक और इंपॉर्टेंट घटना देखने मिलेगी, जब गांधी जी को यहां हम अफ्रीका में रहते हुए पहली बार कांग्रेस के सम्मेलन में गए थे। ठीक है, महत्वपूर्ण घटना कौन सी, जब अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी जब भारत आते हैं तो कांग्रेस के सम्मेलन में गए थे। क्या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गांधी जी कौन से सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। मैंने पिछले क्लास में करवाया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए, जैसे मैंने बताया कि गांधी जी को दीन बंधु के नाम से जाना जाता था, तो देश बंधु किसे कहा जाता था बताइए। मैंने एक बार और पूछा था, अभी आप और कमेंट सेक्शन में बताइए देश बंधु किसे कहा जाता था। ठीक, चलिए देखिए एक प्रश्न देख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया, बताइए। गांधी जी अफ्रीका में रहते हुए कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किए, मैंने आपको बताया है, जल्दी बताइए। ठीक, तो गांधी जी ने, याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका अफ्रीका में जारी की थी। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कह रहे सही नहीं है, मतलब असत्य कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, आपको बताना है। ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। क्या होगा भाई आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, बताइए जवाब इसका क्या होगा। सभी को आंसर देना है, प्रयास करना है। गांधी जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, और गांधी जी के समय होने वाली घटनाओं की चर्चा हम कर रहे हैं, तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें गांधी जी की अगर हम बात करें, देखिए सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, सत्याग्रही को उद्देश्य
शत्रु को पराजित करना, ऐसा सत्य के प्रति आग्रह या सत्याग्रह में बात नहीं थी, ये बात उसमें नहीं थी। तो पहला जो ए ऑप्शन दिख रहा है वही क्या है, असत्य है, वही क्या है, असत्य है। इसके अलावा सत्याग्रही का सत्र अहिंसा है, सही बात है, गांधी जी ने अहिंसा को ही क्या बनाया था, अपना औजार या अस्त्र बनाया था। इसके अलावा सत्याग्रही अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास रखता है, अपने संकल्प के प्रति अगर किसी कोई आंदोलन में अगर जुड़ा है तो वह क्या करेगा, उसमें दृढ़ विश्वास रखेगा, अहिंसा के प्रति उसका विश्वास हमेशा रहेगा और सत्य के मार्ग में चलने से वह कभी यहां पर डरेगा नहीं। इसके अलावा सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। मैंने बताया था अंग्रेजों के प्रति अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने कभी द्वेष भावना, नफरत की भावना नहीं रखी थी और उल्टा गांधी जी ने तो उनकी मदद भी की थी मुसीबत के समय। ठीक, यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रु को पराजित करना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। चलिए वही प्रश्न जो मैंने आपको पूछा था कि एमके गांधी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन के कौन से अधिवेशन में वो भाग लिए थे, कौन से अधिवेशन में वो भाग लिए थे बताइए। ठीक, और कौन सा वो साल था वो भी बताइए, यहां से देख के बताइए। कल हमने देखा था अधिवेशन के बारे में, उस अधिवेशन में कौन सा होगा बताइए। तो यहां आंसर होगा आपका कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। और इस कलकत्ता अधिवेशन में मैंने बताया था आपको अध्यक्ष के रूप में देखने मिलेंगे आपको दिनसा, दिनसा ई वाचा, दिनसा ई वाचा, ठीक है, दिनसा ई वाचा, ये यहां पर क्या थे, अध्यक्ष की भूमिका में थे। और इसके अलावा गांधी जी क्या हुए थे, इसमें शामिल हुए थे, पार्टिसिपेट किए थे। अध्यक्ष किसमें बने थे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया, सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया। ठीक है, बताएंगे गांधी जी का पहला कौन सा ऐसा सत्याग्रह था जहां पर सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया, सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया। ठीक, तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। अब समझते हैं जो गांधी जी अफ्रीका में थे भारत में आए तो भारत में क्या क्या घटनाएं यहां पर देखने को मिली। ठीक, चलिए देखिए अब हम गांधी जी को लेकर आते हैं अफ्रीका से भारत में। तो गांधी जी कहां, भारत में, भारत में गांधी जी, भारत में। ठीक, गांधी जी की अगर बात करें भारत में वो कब आते हैं तो गांधी जी का आना होता है 9th of January 1915 को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं, भारत आते हैं। और गांधी जी जो 9 जनवरी को आए हैं वो एक विशेष दिन के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है और यह दिन होता है एनआरआई दिवस। ठीक, एनआरआई दिवस, अप्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, क्लियर है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में यहां पर मनाया जाता है इस डे को, एनआरआई डे, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन डे के रूप में मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी कहां से आ रहे हैं, अफ्रीका से, इसी कारण से यह दिन ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा गांधी जी जब भारत में आते हैं तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है और प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा होता है वह चलता है 1914 से लेकर 1918 तक। इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी शामिल होती है और इस युद्ध में गांधी जी भारतीयों को अंग्रेजों की मदद करने के लिए कहते हैं और इस मदद के कारण गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा एक टाइटल, एक उपाधि दी जाती है जिसे आप याद रखिएगा और वो टाइटल था केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को दी जाती है। इसके अलावा क्योंकि भारतीयों को ये बात पसंद नहीं आई, इंडियंस को बात पसंद नहीं आई कि गांधी जी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं,
तो यहां पर गांधी जी को एक और टाइटल दे दिया गया भारतीयों के द्वारा, और वह था भर्ती करने वाला सार्जेंट। याद रखिएगा, भर्ती करने वाला सार्जेंट, सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट क्यों कहा गया आप समझ सकते हैं, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है और विश्व युद्ध में सेना है, सेना अगर जा रही है तो उसमें इंडियंस भी शामिल हो रहे हैं, और इंडियंस को भारतीयों को शामिल करने का काम कौन करवा रहे हैं, गांधी जी। इस कारण से उनको क्या बोला जा रहा है, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जा रहा है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब यहां जब आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके पॉलिटिकल गुरु हैं, ये पॉलिटिकल गुरु इनको शुरुआती समय में गांधी जी को कहते हैं कि आप जो है यहां पर भारत के लोगों को, भारत के जितने भी जनता है उसे अगर आप समझना चाहते हैं तो आप भारत की यात्रा कीजिए, और भारत को अगर जानना है तो आपको जाना पड़ेगा गांव में, गांव में, और यहां से गांधी जी भारत के छोटे छोटे गांवों में यात्राएं करनी शुरू करते हैं और भारत के लोगों को जानने का प्रयास करते हैं। इसी बीच उन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम की भी स्थापना की। ठीक, अब गांधी जी का जो है रहना जब भी होगा, जहां रहेंगे गांधी जी वो रहेगा साबरमती आश्रम गुजरात। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, अब इसी बीच हमको देखने मिलेगा कि चंपारण से, चंपारण बिहार, छत्तीसगढ़ नहीं, चंपारण बिहार से एक व्यक्ति आएंगे राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल आएंगे गांधी जी को बुलाने, और गांधी जी को किस लिए बुलाने आ रहे हैं बताएंगे, सब कमेंट सेक्शन बताएंगे गांधी जी को क्यों बुलाने आ रहे हैं, क्योंकि अब गांधी जी को जाना है कहां, चंपारण में, और गांधी जी का सबसे पहला भारत में होने वाला सत्याग्रह भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो देखते हैं गांधी जी का पहला सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह जिसे हम कह रहे हैं क्या, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं तो यह बात है वर्ष 1917 की। स्थान की अगर मैं बात करूं तो स्थान है चंपारण बिहार, स्थान है चंपारण बिहार। ठीक, चंपारण बिहार, यहां जो प्रॉब्लम रहती है, जो इशू रहता है जिसके कारण राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को बुलाते हैं, वह कारण होता है तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया पद्धति सिस्टम, तीन कठिया पद्धति जिसका विरोध करने गांधी जी को चंपारण में बुलाया जाता है। ठीक, अब ये तीन कठिया पद्धति क्या है और क्यों चंपारण के किसान इसका विरोध कर रहे थे, इसे समझिए। तीन कठिया पद्धति में कहा जाता था कि अगर मान लो की बात, यह किसी किसान का खेत है जो 20 भाग में है, टोटल या 20 पार्ट्स में अगर है, किसान का कोई खेत अगर 20 पार्ट में है, 20 भाग में है, तो उसके तीन हिस्से में, उसके तीन हिस्से में यहां पर किसानों को नील की खेती करनी होती थी, किसानों को नील की खेती, इंडिगो की खेती करनी होती थी, नील की खेती करना कंपल्सरी कर दिया गया था। और अगर हम कहें तो नील की खेती कितने पार्ट में हो रही, कितने भाग में, तो हम कह सकते हैं 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था, कंपल्सरी था। और इसी का विरोध चंपारण के किसान कर रहे हैं कि हम ये नील की खेती करते हैं तो इन नील की खेती करने से यह क्षेत्र जो जहां पर नील उगाया जाता था वो हो जाता था बंजर, और आगे चलकर अंग्रेज इस नील की खेती होने के पश्चात जो नील यहां से प्रोडक्शन होता था उसका उचित दाम भी नहीं देते थे। इस कारण से यहां के किसान, चंपारण के किसान, इस तीन कठिया सिस्टम का, तीन कठिया पद्धति का विरोध कर रहे थे, व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। क्लियर है, जिस विरोध के लिए गांधी जी क्या आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं। गांधी यहां आने के पश्चात जैसे गांधी जी पहुंचते हैं, जैसे ही गांधी जी यहां पहुंचते हैं तो लोगों की एक भारी भीड़ गांधी जी को घेर लेती है। ये देख रहे हैं आप, लोगों की एक भारी भीड़ गांधी जी को घेर लेगी, और यहां पर
कुछ पुलिस वाले गांधी जी को गिरफ्तार करने आ जाएंगे। जब गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद पूरी जनता, चंपारण के आसपास के जितने किसान, उनको जानकारी मिलती है कि गांधी जी जो है हमारा समर्थन करने आए थे, उन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। तो इस बात का विरोध करने के लिए पूरे पुलिस थाने को घेरने पहुंच जाते और पुलिस वालों पर दबाव बनाकर वहां पर गांधी जी को रिहा करवाया जाता है। और गांधी जी भी जेल से जब निकलते हैं तो यहां पर अंग्रेजों को बताते हैं कि चंपारण के किसानों के समर्थन में मैं आया हूं, और जब तक आप तीन गठिया पद्धति या तीन गठिया सिस्टम जो यहां पर चला रहे हैं इसे अगर बंद नहीं करते तब तक मैं यहां रहूंगा और यहां पर जो अपना सत्याग्रह है वह करूंगा। ठीक, तो यहां पर गांधी जी को मना किया गया था पुलिस वालों के द्वारा कि आप कोई सत्याग्रह ना करें, परंतु गांधी जी क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के कानून को, जो उन्होंने कानून बनाने का प्रयास किया, जो कानून बनाया उसे गांधी जी ने तोड़ा। और गांधी जी के इस कानून को तोड़ने को ही कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि आगे चलकर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे आप उसमें कानून को ही तोड़ा जाता है, लॉ को तोड़ा जाता है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह तो किया परंतु अंग्रेजों के गलत कानून को कि गांधी जी यहां चंपारण नहीं आ सकते, तो गांधी जी कहां पहुंच गए, चंपारण पहुंच गए, और अंग्रेजों कानून को तोड़ रहे हैं। तो यह क्या है, सविनय अवज्ञा है। इसीलिए तो मैंने बताया भी चंपारण सत्याग्रह है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी था, गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह को भी कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा यहां पर गांधी जी ने, यहां जब अंग्रेजों के सामना हुआ और गांधी जी अंग्रेजों ने लास्टली यहां पर जब देखा गांधी जी अंग्रेजों की बात नहीं सुन रहे, तब जाकर यहां उन्होंने अपना फैसला जो है तीन गठिया सिस्टम जो चला रखा था उसे समाप्त किया और यह सत्याग्रह गांधी जी का सफल रहा। याद रखेंगे, ठीक, गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो सफल रहा। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रही है? ठीक, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा, चंपारण सत्याग्रह। इसके अलावा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां चला, तो यही चला, कहां, चंपारण में। चंपारण में बुलाने वाले कौन थे, राजकुमार शुक्ल। इतने सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी जी के राजनीतिक जीवन घटनाक्रम में पहली घटना कौन सी, बाद में कौन सी, इसे आप क्रम में जमाइए कहा गया। बताइए पहली घटना कब हुई थी, इंसिडेंट कब हुआ था, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए यहां पर गांधी जी सबसे पहले भारत में चंपारण सत्याग्रह करेंगे, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, और उसके बाद होगा असहयोग आंदोलन। इन्हीं सब टॉपिक को ही हमको पढ़ना है जो प्रश्न के रूप में आपको देखने मिल रहा है, यानी पहले होगा चंपारण, फिर देखना है हमको अहमदाबाद, फिर देखना है खेड़ा, फिर देखना है असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला एक और प्रश्न बताइए। ठीक, गांधी जी के निम्नलिखित कथनों के बारे में कौन सा सही है, उनके जीवन के बारे में दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, कौन सा इसमें सही है, इसके बारे में बताइए, कौन सा इसमें से सही है उसके बारे में बताइए, ध्यान से देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए, कौन सा इसमें से सही है। ठीक, तो देखिए गांधी जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा जो थी राजकोट में प्राप्त की, कस्तूरबा के साथ विवाह 13 वर्ष में हुआ, उन्होंने लॉ की पढ़ाई द इनर टेम्पल लंदन में की। इसके अलावा गांधी जी रस्किन के अंटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। चारों कमेंट जो दिए गए हैं वो चारों के चारों क्या हैं, सही है, चारों सही है, 1, 2, 3, 4। ठीक, चलिए अब हम आगे देखें, तो गांधी जी ने सबसे पहले किया क्या, चंपारण, और चंपारण के पश्चात हमें जो दूसरा सत्याग्रह देखने मिलेगा वह है अहमदाबाद मिल आंदोलन, और यह घटना है अहमदाबाद गुजरात की, और यह होगा कब, वर्ष 1918 में, अहमदाबाद गुजरात
ठीक। अब ये अहमदाबाद गुजरात में होता क्या है, यहां पे प्रॉब्लम अंग्रेजों के साथ नहीं था, यहां पे जो प्रॉब्लम था वह था मिल मालिक और मजदूरों के बीच, मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस को लेकर विवाद था, बोनस को लेकर विवाद था। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक। तो यहां पर मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस को लेकर विवाद था अहमदाबाद में। अब यहां होता क्या है, यहां पर जो अहमदाबाद ठीक है, अहमदाबाद में यहां पे जो मजदूर होते हैं उनके द्वारा मिल मालिकों से करीबन 50% की बोनस की डिमांड की जाती है, 50% की। और उस समय होता यह है कि वहां पर महामारी फैली होती, बीमारी, और बीमारी फैलने के कारण उस समय मिल मालिक कुछ समय के लिए इनको बोनस देते हैं, परंतु ये मजदूर आगे चलकर कहते हैं कि ये जो आप बोनस दे रहे हैं इसे कंटिन्यू करें और आगे के समय के लिए भी हमें 50% का बोनस दिया जाए, 50% का बोनस दिया जाए। जब यह आंदोलन चल रहा था तो उस समय अंबालाल साराभाई की बहन जिनका नाम था अनुसुईया बेन के द्वारा फिर गांधी जी को बुलाया गया इस मामले को सुलझाने के लिए। गांधी जी यहां पर आते हैं और गांधी जी मिल मालिकों की बात सुनते हैं और मजदूरों की भी बात सुनते हैं, और दोनों की बात सुनने के बाद कहते हैं कि गांधी जी कि आपको करीबन यहां पर चलिए 50% तो नहीं, करीबन 35% तो आपको बोनस देना ही पड़ेगा। और इस बात पर यहां गांधी जी क्या करेंगे, अड़ जाएंगे, बट मिल मालिक यहां पर बोलेंगे कि नहीं, हम 35% नहीं देंगे, हम देंगे इनको 20%। गांधी जी बोले मैंने तो कहा आपको 35% देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं दिए तो मैं यहां पर आंदोलन कर दूंगा। और गांधी जी पहला अपना भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक करेंगे इसी आंदोलन के समय, याद रखिएगा, गांधी जी इसी आंदोलन के समय भूख हड़ताल करेंगे, गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल इस अहमदाबाद मिल आंदोलन में करेंगे, ठीक है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। अब गांधी जी जैसे तैसे यहां पर हड़ताल में बैठे, भूख अनशन में बैठ गए, अनशन में बैठने के बाद मिल मालिकों को यहां पर गांधी जी के सामने झुकना पड़ा, मजदूरों के सामने झुकना पड़ा, और अंततः इनमें जो बात बनी वह बनी 35% में। और मिल मालिकों ने कहा कि चलिए भाई, न तेरा न मेरा, न 50% न 20%, देंगे हम कितना, 35%। तो 35% बोनस की बात पर यह आंदोलन समाप्त हुआ और यह भी गांधी जी का सफल आंदोलन रहा। तो पहला गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, दूसरा था अहमदाबाद मिल आंदोलन, और तीसरा होगा खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा हमें देखने को मिलेगा खेड़ा सत्याग्रह, ठीक, खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा में क्या इशू होता है, क्या प्रॉब्लम रहती है, तो उसे देखते हैं। खेड़ा की अगर बात करें तो खेड़ा पड़ेगा हमें गुजरात में, खेड़ा जो है गुजरात का ही एक जगह है, एक स्थान है, ठीक। बात है 1918 की, खेड़ा गुजरात की। यहां खेड़ा में इशू होता है किसानों, ठीक, किसानों और अंग्रेजों के बीच, किसानों और अंग्रेजों के बीच। और विवाद यह रहता है कि यहां पर अंग्रेजों के द्वारा कर वृद्धि, टैक्स बढ़ा दिया जाता है, कर वृद्धि कर दी जाती है, कर वृद्धि या टैक्स बढ़ा दिया जाता है। अब होता क्या है, यह बात है 1918 की, बात है 1918 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की दौर पर था, और उस समाप्ति के दौर में खेड़ा के किसानों से अंग्रेजों के द्वारा जबरन कर वृद्धि करके पैसे की उगाही की जा रही थी, जबरन पैसे की वसूली की जा रही थी, क्योंकि उन्हें युद्ध लड़ना था अंग्रेजों को और युद्ध के लिए पैसे की जरूरत थी उस समय। दूसरा, आप किसानों की स्थिति भी देखिए, युद्ध के समय महंगाई बढ़ी हुई थी और उस महंगाई से किसान भी परेशान थे, और उनके ऊपर अचानक एकाएक यहां पर कर वृद्धि कर दी अंग्रेजों ने,
जब टैक्स को बढ़ाया गया, लगान को बढ़ाया गया, तो इसी लगान का विरोध करने गांधी जी फिर से इस खेड़ा के सत्याग्रह में शामिल होंगे। और इस खेड़ा के सत्याग्रह में शामिल होने के बाद फिर अंग्रेजों को अपना ये फैसला, गलत फैसला वापस लेना पड़ेगा। और गांधी जी का ये तीसरा जो सत्याग्रह होगा वह भी क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सफल सत्याग्रह। क्लियर है? तो याद रखिएगा, गांधी जी के तीन सफल सत्याग्रह उसमें है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। यानी गांधी जी आए और केक खाए। क्लियर है? ठीक है, तो गांधी जी के तीन सफल सत्याग्रह आप कह सकते हैं, चंपारण है, अहमदाबाद और खेड़ा। तीनों को आपको याद रखना है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, तीनों को आपको याद रखना है। ठीक, अब हम पहुंच चुके हैं वर्ष 1918 में। इस समय हमको देखने मिलता है कि अंग्रेज जो हैं, जितने भी अंग्रेजों के विरोध में जितनी भी आवाजें उठ रही थी उसे दबाने का प्रयास कर रहे थे। और उन आवाजों को या क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने उस समय एक कानून बनाया जिसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। और रॉलेट एक्ट के तहत यहां पर अंग्रेज चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम गिरफ्तार करें तो उस पर कोई केस ना लड़ा जा सके, कोई वकील ना हो, ना कोई वो दलील दे सके। इस प्रकार का कुछ यहां पर एक कानून बनाया गया जिसमें संदेह के आधार पर, केवल और केवल संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी करके करीबन 2 साल तक ये जेल में रख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर अगला जो हमें पढ़ना है वह है रॉलेट एक्ट। याद रखेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, रॉलेट अधिनियम। ठीक, रॉलेट अधिनियम, रॉलेट एक्ट। ठीक, रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो यह बात है वर्ष 1919 की। इस अधिनियम में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, यह बात इसमें कही गई। इसके अलावा गिरफ्तार करने के पश्चात उस व्यक्ति को ना कोई वकील मिलेगा, यानी बिना वकील, बिना काउंसलर, बिना दलील, यानी उसे दलील करने का भी मौका नहीं मिलेगा, अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा, और ना ही वो व्यक्ति अपील भी कर सकता है। क्लियर है यहां तक चीजें? तो यहां पर कहा गया जब व्यक्ति गिरफ्तार होगा, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा, तो ना वो वकील, बिना दलील, बिना अपील के उसे गिरफ्तार किया जाएगा और कोई वो अपनी बात नहीं रख पाएगा। इस कारण से इस कानून को, एक्ट को काला कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। ठीक है, काला कानून कहा गया। तो रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में आया। याद रखिएगा, सिडनी रॉलेट जो थे इसके अध्यक्ष थे और उन्हीं के नाम से रॉलेट एक्ट ये बना था, इसका नाम भी रखा गया था। ठीक, रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। क्लियर है? इसको कहा जाता है रॉलेट एक्ट। अब यहां पर देखिए, रॉलेट एक्ट को जब लागू किया गया तो देश भर में इसका विरोध होने लगा। गांधी जी के द्वारा भी एक रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया, यह हमको देखने मिला कि गांधी जी उस समय जब यह रॉलेट सत्याग्रह का अच्छा खासा विरोध पूरे देश भर में हो रहा था, तब गांधी जी पंजाब भी जाने वाले थे, परंतु उसके पहले ही गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। अब देखिए, जब यह रॉलेट सत्याग्रह यहां पर चल रहा था और यह रॉलेट एक्ट लागू किया गया, उसी समय पंजाब के 2 नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। एक है सत्यपाल और एक है सैफुद्दीन किचलू। तो याद रखिएगा, इस रॉलेट एक्ट के तहत 10 अप्रैल
1919 के दिन पंजाब के दो प्रमुख नेता जिसमें एक थे सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब के दो प्रमुख नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके पश्चात यहां पर जनता जो है एक विरोध दर्ज कराने के लिए अमृतसर में इकट्ठा होती है। अब समझिए घटनाक्रम कैसा होता है। 12 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अधिकारियों ने रातों रात एक उस समय लॉ लगा दिया था, ठीक, और उस लॉ के अनुसार यहां पर कहा गया कि कोई भी व्यक्ति यहां पर घरों से बाहर ना निकले और भीड़ में इकट्ठा ना हो, भीड़ इकट्ठा ना करे, ना भीड़ बनाए। क्लियर। तो यहां पर यह बात कही गई अंग्रेजों के द्वारा, जिसे कहा गया मार्शल एक्ट। तो वहां पर क्या लागू किया गया? मार्शल एक्ट के तहत यह बोल दिया गया कि कोई भी व्यक्ति चार के समूह में ना खड़े हो और चार से अधिक भीड़ को हम मना ही करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार का कुछ उन्होंने रातों रात एक कानून बनाया। अब मार्शल एक्ट जब लगा तो उसके पश्चात 13 अप्रैल के दिन पंजाब में पूरा बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था, और पंजाब के अमृतसर में जब बैसाखी के पर्व मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में, उसी जलियांवाला बाग में यहां पर अंग्रेजों के द्वारा उस निहत्थी भीड़ पर, जो जलियांवाला बाग में इकट्ठा होगी उस निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती है, और उसमें करीबन बहुत सारे लोग, करीबन 369 लगभग लोग, या बोला चाहिए उससे अधिक लोगों की मौत हो गई, और बहुत सारे लोग उसमें क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग की अगर मैं जो बात कर रहा हूं, तो यह बात है, घटना है 13 अप्रैल 1919 की, ठीक, जहां पर जलियांवाला बाग अमृतसर में ठीक है, लोगों की जो भीड़ है वह इकट्ठा होती है, और इकट्ठा इसलिए भी होती है क्योंकि एक विरोध दर्ज कराना चाहते थे क्योंकि इनके पंजाब के दो प्रमुख नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी का विरोध ये दर्ज कराना चाहते थे। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब लोग इकट्ठा हुए, तब वहां पर पंजाब के गवर्नर जिनका नाम है जनरल ओ डायर। क्लियर है। तो पंजाब के गवर्नर ने उस समय एक अधिकारी को भेजा इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और वो अधिकारी था जनरल आर डायर। देखिए मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान समझिए, पंजाब का गवर्नर उस समय ओ डायर था, और जिसको भेजा गया वो भी डायर था, बट वो आर डायर है और ये क्या है? ओ डायर है। दोनों अलग अलग, याद रखिएगा। अब देखना, यहां जो अमृतसर में जो लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, तो भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का काम जनरल आर डायर और उसके सैनिकों ने किया था, सिपाहियों ने किया था। क्या बोला मैंने? ओ डायर ने भेजा आर डायर को, आर डायर गया अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अमृतसर में जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का काम जनरल आर डायर ने किया, और वहां पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसी को भी नहीं छोड़ा गया, सबकी मृत्यु वहां पर, मौत हो गई। तो कहा जाता है कि लगभग 379 लोगों की मौत हुई थी और 1500 से अधिक लोग क्या हुए थे? घायल हुए थे। 1500 से लगभग अधिक लोग घायल हुए थे, परंतु यहां पर डेटा इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये आंकड़ा जो निकला वो सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा हमेशा गलत होता है, यानी अंग्रेजों का आंकड़ा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जब वो
गोलियां चली थी तो कहा जाता है कि भागने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी, 10-15 फीट की 20 फीट की दीवारें थी जिसको लोग पार नहीं कर पा रहे थे। और वहां जलियांवाला बाग में एक कुआं था जिसमें कहा जाता है लोग गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में कूद रहे थे। तो कुएं में कूदने के बाद जब एक कूदा व्यक्ति दूसरा कूदा, वैसे कंटिन्यू लोग उसमें कूदते गए, तो वहां पर दम घुटने से भी सभी लोगों की मौत हो गई। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जलियांवाला बाग में कोई भी खड़ा हो तो कोई भी जीवित नहीं बचा होगा। तो इस प्रकार का नरसंहार अंग्रेजों ने अपने समय में किया था, अंग्रेजों ने अपने समय में किया था। जलियांवाला बाग बहुत विशेष घटना है, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 का दिन, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकरे या जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड अंग्रेजों का। आज भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कोई आता है तो जलियांवाला बाग में जब भी जाता है तो वहां पर जाकर इसी बात के लिए जरूर माफी मांगता है, याद रखिएगा माफी मांगता है कि ये जो घटना थी ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। ठीक, चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के पश्चात अंग्रेजों ने दिखावे के लिए, मात्र दिखावे के लिए एक कमिटी, एक जांच कमिटी का गठन किया। यहां पर एक जांच कमिटी का गठन किया गया, ठीक है, जिसे कहा जाता है हंटर कमीशन, हंटर कमीशन, जो जलियांवाला बाग की जांच के लिए बनी। इसके अलावा क्योंकि भारतीयों को तो विश्वास था नहीं कि अंग्रेज जो है सही तरीके से इसकी जांच करेंगे, तो इसके अलावा जो भारतीयों के द्वारा, इंडियंस के द्वारा यहां पर जो जांच समिति बनी भारतीयों के द्वारा, उसे कहा गया तहकीकात तहकीकात आयोग, उसे क्या कहा गया, तहकीकात आयोग कहा गया। क्लियर है, तहकीकात आयोग कहा गया। ठीक, तो दो कमिटी आपको याद रखना, दो कमीशन, एक है हंटर कमीशन और एक क्या है तहकीकात आयोग, ये इंडियंस का था और वो था अंग्रेजों का। ठीक, अब इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सर और नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी जाएगी, याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इस नरसंहार को देखने के पश्चात, इस हत्याकांड को देखने के पश्चात उन्होंने अपनी दो उपाधियां, एक सर की उपाधि जो अंग्रेजों ने दी थी, साथ ही साथ नाइटहुड की उपाधि, ये दोनों उपाधियों को उन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया, दोनों टाइटल्स को उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। क्लियर है, रविन्द्रनाथ टैगोर डन, यहां तक चीजें ठीक। तो ये सब घटना कब की है, वर्ष 1919 की है। ठीक, कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया, चंपारण के दौरान रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान 1919 में राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन में या खिलाफत आंदोलन के समय, बताइए गांधी जी को महात्मा कहा गया कब, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था, बताइए। ठीक है, बताइए। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी चंपारण सत्याग्रह के समय, चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी को महात्मा कहा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में, बताइए छत्तीसगढ़ की तैयारी आपने की होगी, छत्तीसगढ़ इतिहास आपने पढ़ा होगा, बताइए गांधी जी का छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम आगमन कब हुआ था, आगमन कब हुआ था, बताइए बताइए, सब बताएंगे, यहां पर सभी को आंसर देना है। गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो यहां पर गांधी जी के प्रथम आगमन की अगर मैं बात करूं तो गांधी जी वर्ष 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ आए थे। याद होगा जो छत्तीसगढ़ की तैयारी किए होंगे, छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़े होंगे, तो धमतरी में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। कंडेल नहर सत्याग्रह के समय में सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा गांधी जी को बुलाया गया था और गांधी जी के साथ सुंदरलाल शर्मा यहां आए थे। तब उस समय जब उनका आगमन हुआ था या गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था, पहली बार गांधी जी आए थे, तो गांधी जी का आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। क्या आप बता सकते हैं कि गांधी जी जब पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे तो ये कहां उतरे थे और किस जगह पर आए थे। ठीक, क्लियर है,
दूसरा ये बताइए कि दूसरी बार गांधी जी का आगमन कब हुआ था, इसे भी बताइए, क्योंकि गांधी जी का आगमन कितने बार, दो बार छत्तीसगढ़ में हुआ है, दोनों बताइए। पहला तो हमने देख लिया, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न देखिए, किसने यूरोपियन नील बागानों मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, मैंने बताया था तीन काठिया पद्धति के बारे में, उसी से संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसने बुलाया था गांधी जी को, उसके बारे में पूछा जा रहा है, बताइए। ठीक, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान बुलाया था। अगला बताइए, चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य है। अभी आपको मैंने बताया तीन कठिया का मतलब क्या होता है, तीन कठिया का मतलब क्या होता है सभी को मैंने बताया था, बताएंगे सब जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं इसे टॉप एमसीक्यू सीरीज में बता देना चाहूं मैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है और आप ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़े और अपने मित्रों को भी जोड़े। ठीक है, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी की तैयारी तो कर ही रहे हैं, परंतु अन्य एग्जाम की भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सब हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, 3/20 भूभाग पर, 3/20 भूभाग पर। मैंने आपको बताया था कि किसानों को मजबूरन खेत के तीसरे हिस्से में नील की खेती करने को कहा गया था, नील की खेती करने को, इंडिगो उगाने को कहा गया था, जिसका विरोध चंपारण के किसान कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था, बताइए संगठित करने का कारण क्या था। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए, क्या होगा बताइए। दोनों में कुछ ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए, ध्यान से पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 1, पहला जो लिखा हुआ है कि अकाल पड़ने के बावजूद खेड़ा में, जब अकाल पड़ा तो खेड़ा में अकाल पड़ने के बावजूद भू राजस्व की उगाही, टैक्स जो लेने का प्रथा जो थी, अंग्रेजों का जो सिस्टम था, वह बंद नहीं किया गया था। ठीक है, इस कारण से यहां पर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसके अलावा प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए, ऐसा कोई प्रस्ताव हमें नजर नहीं आता खेड़ा सत्याग्रह के समय, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है और 1 करेक्ट है, तो केवल एक सही है। ठीक, अगला देखिए, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन सा था। ठीक है, साहसिक कदम की बात कर रहा है, अखिल भारतीय यानी ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से पूछ रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से अगर बात करेगा तो चंपारण नहीं आएगा, याद रखना चंपारण एक क्षेत्रीय आंदोलन था, किसानों के एक आंदोलन में शामिल हुए थे, जन आंदोलन या भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं था। भारत के लिए अगर हम देखें तो अगर हम बात करें रॉलेट सत्याग्रह इनका पहला एक जन आंदोलन के रूप में, साहसिक कदम के रूप में हमको देखने मिलेगा। ठीक, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिए, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, द अनार्किकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट किसे कहा गया और सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, सामान्य भाषा में। ठीक है, अगर आप ये वर्ष 1919 को अगर ध्यान से देख रहे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्ट कौन सा है। तो एक्ट कौन सा है भाई, ये एक्ट है रॉलेट एक्ट। मैंने बताया था आपको, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का एक कानून, जिसे काला कानून कहा गया, और संदेह के आधार पर किसी की गिरफ्तारी करने की बात कही गई, वही है क्या रॉलेट एक्ट और रॉलेट कानून, क्लियर है, अधिनियम। ठीक, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया, बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, बताइए किसने शुरू किया खिलाफत आंदोलन। तो यहां पर अगर खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा, अली बंधुओं के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक,
तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो यही है, खिलाफत आंदोलन। तो जानते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में, खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी। ठीक, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, इसकी शुरुआत करने वाले थे अली बंधु, अली ब्रदर्स, अली ब्रदर्स, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली, जिनको अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक, अब देखिए इसके अगर कारण की, अगर मैं रीजन की अगर मैं बात करूं, कारण की या रीजन की अगर मैं बात करूं, तो कारण यह मिलता है कि तुर्की में जो खलीफा होते थे, इस्लाम में जो खलीफा का उच्च एक धार्मिक पद होता है, उस पद को यहां पर समाप्त कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसका विरोध विश्व भर के मुसलमान तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने का विरोध कर रहे थे। इसी विरोध में भारत में अली बंधुओं के द्वारा, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा यहां पर एक आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। तो यहां पर क्या हुआ था भाई, तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना आंदोलन की शुरुआत का कारण बना, रीजन बना। इसकी शुरुआत वर्ष 1919 में हो जाती है, परंतु एक्चुअल में शुरुआत इसकी वर्ष 1920 में होती है, वर्ष 1920 में होती है, जिसमें भारत के सभी मुसलमान इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और यहां पर अली बंधु इनका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। क्लियर है? देखिए, यह आंदोलन जब चल रहा था तो दो पत्रिकाएं अबुल कलाम आजाद के द्वारा, जिसमें एक पत्रिका थी अल हिलाल और दूसरी पत्रिका थी कामरेड, तो दो पत्रिकाएं भी इस आंदोलन के समय जारी की गई थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो पत्रिका जारी की गई थी अबुल कलाम आजाद के द्वारा, जिसमें आपके पास है अल हिलाल और कामरेड नाम की दो पत्रिकाएं अबुल कलाम आजाद के द्वारा जारी की गई। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या, अबुल कलाम आजाद। ठीक, अब देखिए यहां पे, जब यहां खिलाफत आंदोलन वर्ष 1920 में चल रहा था, उसी समय महात्मा गांधी जी को लगा कि एक सही समय है कि एक बड़ा वर्ग, हिंदुस्तान का एक बड़ा वर्ग, मुसलमान वर्ग यहां आगे बढ़ा हुआ है और वह खिलाफत आंदोलन कर रहा है, तो क्यों ना भारत में एक नए आंदोलन की शुरुआत हम भी करें और हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाकर एक आंदोलन चलाएं। अब यहां पर गांधी जी से आंदोलन की बात कर रहे हैं, वह होगा असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे गांधी जी को लगा, ये तर्क गांधी ने दिया कि अभी अगर हम देखें तो यहां पर विश्व भर में और हमारे देश में महंगाई है, इसका विरोध हमें करना चाहिए, साथ ही साथ बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण युवा यहां पर परेशान है, जनता परेशान है, किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया तो किसान भी परेशान है, और बिल्कुल सही समय है कि हमें क्या करना चाहिए, एक आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। और वह आंदोलन कौन सा होगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो यहां पर गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की जानी है, जिसको क्या कहा जा रहा है, असहयोग आंदोलन। ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर बात करें तो यह शुरू होना है वर्ष 1920 में, और इस आंदोलन को शुरू करने से पहले कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, क्योंकि देखिए गांधी जी तो आंदोलन शुरू कर देंगे, परंतु भारत भर में
इस आंदोलन को शुरू करने के लिए कांग्रेस की मदद लेनी वहां पर जरूरी थी। तो कांग्रेस के अधिवेशन को अगर हम देखें तो हर साल कहां होता है, वो दिसंबर में होता है, दिसंबर में, ठीक। तो दिसंबर का वेट या इंतजार ना करते हुए सितंबर माह में विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव सबसे पहले एक विशेष अधिवेशन में लाया गया, विशेष अधिवेशन में लाया गया। और यह विशेष अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में, कलकत्ता में, और कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक। अब देखिए, ये जो स्पेशल सेशन जो हो रहा है, स्पेशल सेशन जो हुआ, अधिवेशन जो हुआ, शुरुआत में गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसे इस अधिवेशन में निरस्त कर दिया गया, परंतु फिर भी गांधी जी ने अपने आंदोलन शुरू कर दिया। आगे चलकर हमें देखने को मिलता है कि एक वार्षिक अधिवेशन और होगा। क्या होगा भाई? ईयरली सेशन, वार्षिक अधिवेशन, एक वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जाता है, वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। और यह वार्षिक अधिवेशन होगा नागपुर में। कहां होगा भाई? नागपुर में। और अध्यक्ष होंगे वीर राघवाचारी। कौन होंगे? वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी क्या होंगे? नागपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष होंगे। और इस अधिवेशन में गांधी जी का असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वह पास कर दिया जाएगा और पूरे भारत में अब आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी, आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर दो अधिवेशन मैंने आपको बताए, एक कलकत्ता का अधिवेशन, एक नागपुर का अधिवेशन। याद रखिएगा, इसी कलकत्ता के अधिवेशन में गांधी जी को बुलाने के लिए सुंदरलाल शर्मा जी गए थे, और जब नागपुर की तरफ गांधी जी आए थे तो नागपुर में आने के बाद यहां गांधी जी का आना छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक। तो प्रथम आगमन का समय ये वही दौर है जब गांधी जी का आगमन छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, ठीक। चलिए अगला हम देखें कि इस असहयोग आंदोलन में होगा क्या क्या। तो सबसे पहला चीज यहां पर हमको देखने मिलेगा असहयोग आंदोलन में कि यहां पर किया जाएगा बायकॉट, बहिष्कार, बहिष्कार या बायकॉट हमको देखने को मिलेगा, ठीक। तो बायकॉट किसका भाई? विदेशी वस्तुओं का, फॉरेन गुड्स का, विदेशी सामानों का, विदेशी सामानों का, विदेशी वस्तुओं का क्या किया जाना है? बहिष्कार किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर वकील जो है, वकील ये क्या करेंगे? वकालत त्याग देंगे, वकालत त्याग देंगे, वकालत त्याग देंगे। इसके अलावा यहां पर हमको देखने मिलेगा कि लोग स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देंगे और स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की बात कहेंगे, ठीक है। तो स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की बात यहां पर कही गई, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की भी बात यहां पर कही गई। यहां हम देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए उस समय जो स्कूल कॉलेज थे, उन स्कूल कॉलेजों को, छात्रों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया कि आप स्कूल कॉलेज क्या कर दें, छोड़ दें। यहां पर जो छात्र हैं स्कूल कॉलेजों का भी क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। स्कूल कॉलेजों का क्या होगा भाई? यहां पर बहिष्कार होगा, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया जाएगा। क्लियर है? इसका भी बायकॉट किया जाएगा। डन है यहां तक चीजें? तो ये सब जो है आपके असहयोग आंदोलन के समय में की जाएंगी। अब यहां पर जो छात्र स्कूल कॉलेज छोड़ रहे हैं उनके लिए राष्ट्रीय विद्यालय की भी स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो जो स्कूल कॉलेज अगर कोई छोड़ रहा है तो उसके लिए एक नेशनल स्कूल राष्ट्रीय विद्यालय भी खोले जाएंगे। राष्ट्रीय विद्यालय की अगर बात करें तो जैसे आप देखेंगे काशी विद्यापीठ, ठीक, और गुजरात विद्यापीठ, इस प्रकार के विद्यापीठ उस समय शिक्षा के केंद्र बनेंगे। गुजरात विद्यापीठ। अब जब यह आंदोलन चल रहा है तो गांधी जी वर्ष 1921 में कहेंगे
कि लोगों का बहुत अच्छा क्या है, समर्थन मिल रहा है, लोग बढ़ चढ़कर स्वयं से यहां पर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे दुकानदार हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से अगर आपका उत्साह बना रहा, आप मेरे अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे, सत्याग्रह के मार्ग पर चलते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब आपको यहां पर मैं एक साल के अंदर आपको आजादी दिला दूंगा। ये बात इस समय गांधी जी ने कहा था। और एक और बात गांधी जी ने कही थी कि आगे चलकर अगर अंग्रेज अगर जल्द से जल्द अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो मैं एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करूंगा। ये बात भी गांधी जी ने इस दौरान कही थी। ठीक है, तो याद रखना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एक साल में आजादी दिलाने की बात गांधी जी ने कब कही थी, तो याद रखना यह असहयोग आंदोलन का समय था जब गांधी जी ने आजादी की बात कही थी, लोगों को स्वराज दिलाने की बात कही थी। ठीक ठीक, चलिए अब वर्ष 1920 हुआ, 21 हुआ, 22 हुआ, दो साल तक लोगों का उत्साह बना रहा, लोग बढ़ चढ़कर यहां हिस्सा लेते रहे, आंदोलन में यहां पर पार्टिसिपेट करते रहे, परंतु धीरे धीरे लोगों का धैर्य की सीमा टूट रही थी। और लोगों की धैर्य की सीमा टूटी वो आपको एक हिंसा के रूप में नजर आई, जिसे हम कहते हैं चौरी चौरा कांड। क्या कहते हैं? चौरी चौरा कांड। तो यहां पर असहयोग आंदोलन के समय चौरी चौरा के रूप में एक कांड नजर आएगा, चौरी चौरा कांड। ठीक, चौरी चौरा की अगर मैं बात करूं तो यह स्थान हमें मिलेगा चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक, और घटना होगी 4 फरवरी 1922 की। ठीक, 4 फरवरी 1922 की। कहा जाता है चौरी चौरा के जब आम लोग एक आंदोलन कर रहे थे तो उस आंदोलनकारियों पर पुलिस वालों ने लाठियां चला दी और कुछ पर गोलियां भी चला दी गई थी, ये बात कही जाती है। अब जब ऐसी पुलिस वालों ने जो कृत्य किया, कार्य किया, उसका यहां पर विरोध दर्ज कराने के लिए पूरी चौरी चौरा के आसपास के जो लोग हैं चौरी चौरा में स्थित थाने को घेर लेते हैं, और उस थाने को घेरने के पश्चात उसमें आग लगा दी जाती है। आग लगाने से कहा जाता है उस थाने के अंदर करीबन 22 सिपाहियों की, लगभग 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई, 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। ठीक, 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई, क्लियर है। अब ये जो 22 सिपाहियों की मृत्यु हुई, तब कुछ समय बाद गांधी जी को जब जानकारी होती है कि चौरी चौरा में वहां के लोगों ने 20 सिपाहियों को जिंदा जला डाला और लोगों ने हिंसा की, तो इस बात से गांधी जी को एक बड़ा धक्का लगा। गांधी जी ने कहा कि मैंने एक अहिंसा और नॉन वायलेंस को जो अस्त्र बनाया था और जो मार्ग मैंने लोगों को सत्याग्रह का बताया था, उसमें लोग नहीं चल पा। इस कारण से गांधी जी जो असहयोग आंदोलन जो 2 वर्षों से चला आ रहा था, उसे अचानक से इस चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित कर देंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे गांधी जी के द्वारा इस चौरी चौरा कांड के पश्चात 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को, जो इतना अच्छा लोगों का जो जनसमूह इसमें भाग ले रहा था और लोग जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उस आंदोलन को गांधी जी ने क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, समाप्त कर दिया। अब यहां पर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इस बात का गांधी जी पर विरोध करते हैं कि गांधी जी ने विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू का एक कमेंट आता है कि गांधी जी ने जो किया है, ठीक है, वो गलत तो है, परंतु उन्होंने यह कार्य किया कि मामला जो है
मामला जो है अगर कश्मीर में हुआ है, कश्मीर में कोई घटना हुई है, तो कन्याकुमारी के लोगों को सजा दी जा रही है, तो वही बात हो गई, ऐसा कमेंट उन्होंने उस समय कहा, ठीक। और इस प्रकार यहां पर गांधी जी का इन्होंने विरोध किया, ठीक है, जिसमें मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, ये सब उसमें शामिल थे, ठीक। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 1920 के अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, किसने यह प्रस्ताव रखा था, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने रखा था, इसके बारे में बताइए किसने रखा था, ठीक। यहां पर आपको हिंट कर देना चाहूं कि इस चार ऑप्शन में वह नाम है जिसको हम देश बंधु कहते हैं, वही वो नाम है इसमें आपको जो देखने को मिलेंगे, ठीक है, बताइए क्या होगा। वह नाम है C.R. दास, चितरंजन दास ने, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, मैं अध्यक्ष का नाम नहीं पूछ रहा हूं, आधे लोग यहां नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम सोच रहे होंगे, परंतु प्रस्ताव की बात की गई है, तो प्रस्ताव दिया था C.R. दास ने, और C.R. दास को ही कहा जाता था देश बंधु, दीन बंधु CFND उसको, और देश बंधु जो है C.R. दास को कहा जाता था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, अभी मैंने आपको बताया, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी कौन से वाले आंदोलन में देंगे, मैंने अभी आपको बताया, बताइए एक वर्ष में स्वराज का नारा कब दिया गया, स्वराज का नारा कब दिया गया, बताइए एक वर्ष में स्वराज का नारा कब दिया गया। तो देखिए यहां पे एक वर्ष में जो स्वराज का नारा है, असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय गांधी जी ने वर्ष 1921 में दिया था कि एक साल में हम आपको क्या दे देंगे, आजादी दिलवा देंगे, स्वराज दिला देंगे, ठीक। चलिए अभी तक हमने पढ़ लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अलावा चौरी चौरा कांड हमने जान लिया, ठीक। अब जो असहयोग आंदोलन यहां पर वापस लिया गया, तो मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने विशेष रूप से विरोध किया, और इन्होंने बोला कि जो असहयोग आंदोलन में जो चीजें हैं, है ना, असहयोग में या कांग्रेस में जो बातें हैं, वो बातें हमारे उद्देश्य में नजर नहीं आ रही, और हम चाहते हैं कि उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम विधानसभा परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करें, भाग लें, ये बात कही चितरंजन दास जी ने। और चितरंजन दास यहां पर अब परिवर्तन की बात करेंगे, क्या कहेंगे, परिवर्तन की बात, और परिवर्तन की बात करते हुए ये कांग्रेस से अब अलग हो जाएंगे। तो यहां पर आपको अब कांग्रेस जो है दो भागों में दिखेगा, एक को कहेंगे नो चेंजर, जो परिवर्तन नहीं चाहते, एक को कहेंगे परिवर्तनवादी, प्रो चेंजर, जो परिवर्तन चाहते हैं। और इन परिवर्तन चाहने वाले लोगों में थे मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने कश्मीर कन्याकुमारी वाली बात कही थी कि कन्याकुमारी में अगर मान लो कश्मीर में कोई प्रॉब्लम होती तो कन्याकुमारी के लोगों को सजा देते हैं, ये बात कही थी मोतीलाल नेहरू ने, और इन्हीं ने यह बात कहते हुए अलग एक पार्टी बनाने की बात उस समय निकाली, और परिवर्तन की भी बात कही, क्योंकि कांग्रेस में एक उनके संविधान में एक नियम था, उस नियम के अनुसार कांग्रेस में रहते हुए किसी भी व्यक्ति को विधानसभा परिषद के चुनावों में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं था। इसी कारण से यहां पर उन्होंने बोला अगर कांग्रेस पार्टी में ये हक हमें नहीं मिलेगा तो हम अपनी एक पार्टी बना देंगे, और वही पार्टी होगी क्या, स्वराज पार्टी, क्लियर है, एक कांग्रेस से हटकर एक पार्टी बनेगी जिसे हम कहेंगे क्या, स्वराज पार्टी, ठीक। स्वराज पार्टी की अगर मैं बात करूं, यह पार्टी बनेगी वर्ष 1923 में अध्यक्ष के रूप में आपको नजर आएंगे प्रेसिडेंट या अध्यक्ष, और वह अध्यक्ष होंगे C.R. दास, जिन्हें हम
चितरंजन, जिन्हें हम चितरंजन दास भी कहते हैं, सी आर दास या चितरंजन दास। तो आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू क्या थे? तो मोतीलाल नेहरू जो है सेक्रेटरी थे, सचिव। तो मोतीलाल नेहरू क्या थे? सचिव थे। तो यहां पर आपको मिलेंगे कौन? मोतीलाल नेहरू सचिव के रूप में। तो याद रखेंगे स्वराज पार्टी का गठन किया गया, बनाने वाले थे सी आर दास अध्यक्ष के रूप में, और सचिव के रूप में कौन मिलेंगे? मोतीलाल नेहरू मिलेंगे। यही अगर इनके उद्देश्यों की, एम की अगर मैं बात करूं, तो मैंने उद्देश्य के रूप में बताया कि ये जो है, ठीक है, इनका मेन उद्देश्य था विधान परिषद के इलेक्शन में, चुनाव में पार्टिसिपेट करना भाग लेना इनका मेन उद्देश्य है। ठीक, जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, मैं बता देना चाहूं, यह चल रहा है भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास का आधुनिक भारत, यह चल रहा है आधुनिक भारत में हम गांधी जी से जुड़े हुए आंदोलन को पढ़ रहे हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हल करते हुए चल रहे हैं। ठीक, चलिए, तो यहां पर मैंने क्या बताया, स्वराज पार्टी बनी वर्ष 1923 में, सी आर दास चितरंजन दास अध्यक्ष हुए, सचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू, और उद्देश्य था विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना। अब स्वराज पार्टी जब विधान परिषद के चुनावों में भाग लेती है तो बहुत अच्छा इसे रेस्पॉन्स मिलता है, और करीबन इनके द्वारा 101 में से 42 सीटें 42 सीट में इन्हें जीत हासिल होती है। 101 में से लगभग इनको 42 सीट में जीत हासिल होती है। ठीक, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इनके लिए लोगों का देखने को मिलता है। ठीक, अब यहां पर विधान परिषद में ये भाग लेंगे, और आगे चलकर हमें देखने को मिलता है कि केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष के रूप में वल्लभ विठल भाई पटेल, केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विठल भाई पटेल जो है अध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाएंगे। क्लियर है? ठीक, ये इनकी एक सफलता भी होती है, कि यहां पर विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के जो बड़े भाई हैं, वो अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। ठीक, ये घटना कब की है? वर्ष 1925 की। इसी समय हमें देखने को मिलता है कि सी आर दास की डेथ हो जाती है, और सी आर दास की डेथ होने के पश्चात ज्यादा समय नहीं होता कि जो स्वराज पार्टी वर्ष 1923 में बनी थी, धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती है, और स्वराज पार्टी का विलय भी कांग्रेस में हो जाता है। क्लियर है? तो बहुत ही अल्प समय के लिए पार्टी बनी थी। पार्टी का मेन उद्देश्य क्या था? परिवर्तन लाना, कांग्रेस में परिवर्तन लाना, और परिवर्तन लाने के साथ साथ विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना। ठीक, विधानसभा के परिषद के चुनावों में भाग लेकर जब विधान परिषद जाएंगे तो ये बताना चाहते थे कि हम जो अंग्रेजों के गलत कानून है उसका विरोध तो बाहर कर रहे थे, परंतु अब हम इनके काउंसिल में, असेंबली में भाग लेकर इनका विरोध करेंगे। क्लियर है? ये बताना इनका मेन मकसद था। ठीक, चलिए, ठीक, अब हम घटनाक्रम को आगे बढ़ाएं तो हमें देखने को मिलता है कि एक आयोग का गठन किया जाएगा, और वह आयोग होगा साइमन आयोग। ठीक है, साइमन कमीशन, एक कमीशन का गठन किया जाएगा जिसे हम कहेंगे साइमन कमीशन या साइमन आयोग। साइमन आयोग का गठन किया जाएगा। साइमन आयोग की बात करें तो इसे बनाया जाएगा वर्ष 1927 में बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था
मॉन्टेग्यू चेंसफोर्ड सुधार अधिनियम वर्ष 1919 का मूल्यांकन मूल्यांकन करना। ठीक, तो साइमन कमीशन बनाया गया मॉन्टेग्यू की चेंसफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का मूल्यांकन करने के लिए। इसके अलावा साइमन आयोग जो बना था यह भारतीयों के लिए, भारतीयों द्वारा संविधान की भी बात यह कर रहा था, यानी संविधान बनाने की बात इसमें होने वाली थी। तो साइमन आयोग जो बना, तो यहां पर भारतीयों के लिए अगर संविधान की बात हो रही है तो इसमें हमें क्या दिखना चाहिए कि साइमन कमीशन में जो सदस्य हो क्या हो, भारतीय हो। परंतु इसमें साइमन आयोग में जो सदस्य थे और कितने सदस्य भाई, 7 सदस्य। साइमन आयोग में जो 7 सदस्य शामिल थे वो पूरे के पूरे क्या थे, अंग्रेज थे। किसी भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया, पूरे के पूरे अंग्रेज थे। और पूरे के पूरे अंग्रेज होने के कारण कांग्रेस का जब अधिवेशन होता है मद्रास में, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन जो वर्ष 1927 में होगा और इसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी करेंगे, तो इस अधिवेशन में, मद्रास के इस अधिवेशन में, सेशन में साइमन आयोग का बहिष्कार किया जाएगा। साइमन आयोग का बहिष्कार किया जाएगा। याद रखेंगे वर्ष 1927 से ही साइमन आयोग का बहिष्कार किए जाने की बात कह दी गई, क्योंकि इसमें पूरे भारतीयों को नहीं रखा गया, ना एक भारतीय को भी नहीं रखा गया, और पूरे के पूरे 7 के 7 अंग्रेज रख दिए गए। इस बात का विरोध होने लगा। जब यह बात का विरोध होने लगा तो जब साइमन आयोग वर्ष 3 फरवरी 1928 को जब भारत आया, तो साइमन आयोग के भारत आने के पश्चात यहां पर भारत में साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन वापस जाओ ये नारे लगने लगे। और इसका पूरे देश भर में साइमन आयोग का विरोध होने लगा। हमें देखने को मिलता है कि जब साइमन आयोग का विरोध हो रहा था तो लाहौर में, विशेष रूप से लाहौर में बहुत एक जुलूस निकला, एक बड़ा रैली निकला लाहौर में। और लाहौर में लाला लाजपत राय इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। लाला लाजपत राय को उस समय अंग्रेजों की लाठी पड़ने से इनकी डेथ हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। यहां पर लाहौर में साइमन आयोग का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। पंजाब केसरी, और मृत्यु से पहले एक लाइन ये कहेंगे कि मेरे सीने पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की एक एक कील साबित होगी। ये बात उन्होंने कही और आगे चलकर भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने बात को सत्य भी किया। ठीक है, याद होगा मैंने पिछले क्लास में बताया था कि लाला लाजपत राय पंजाब केसरी जो जाने जाते थे, इनको पंजाब केसरी की मृत्यु के पश्चात इन्हीं का बदला लेने के लिए उस समय सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा। ठीक, ध्यान रखेंगे ये सब घटना पूरी जुड़ी हुई है, साइमन कमीशन के समय जुड़ी हुई है। अब देखिए साइमन कमीशन जब आया था तब उस समय नेहरू जी, कौन से नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ठीक, अभी जितना भी नाम लूंगा मैं मोतीलाल नेहरू। ठीक, तो मोतीलाल नेहरू जी ने उस समय भारत के सचिव लॉर्ड बर्किन हेड, क्या बोला मैंने, लॉर्ड बर्किन हेड, तो लॉर्ड बर्किन हेड के सामने जाएंगे और बोलेंगे कि आपने जो आयोग बनाया है यह बहुत ही गलत है, इसमें किसी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, आपने हमारा ही संविधान बनाने आए हैं और आप पूरे अंग्रेज को रखें। यह बात उन्होंने कही।
तब यहां पर लॉर्ड बर्किनहेड बोलते हैं कि भारतीयों को, इंडियंस को इतना ज्ञान नहीं है ना इतना नॉलेज है कि अपना संविधान बना पाए। तब यहां पर मोतीलाल नेहरू बोलते हैं ठीक कि अगर आप हमें मौका दे तो हम आपको बताएंगे कि संविधान में होना क्या चाहिए और कौन सी बातें होनी चाहिए, यह हम बताएंगे। तो यहां पर बोल दिया गया बर्किनहेड के द्वारा भी कि आप बना सकते तो बनाइए और लेकर आइए मेरे सामने, हम उसे शामिल करने का प्रयास करेंगे साइमन साइमन रिपोर्ट। तो यहां पर नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट बनाई जिसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। ठीक, तो अगला एक इन्होंने रिपोर्ट बनाया जिसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यह वर्ष 1928 में पेश किया गया और इसे रिपोर्ट को बनाने वाले थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ठीक, अब मोतीलाल नेहरू जब ये रिपोर्ट बनाए और पेश किए तो इसमें जो बातें थी नेहरू रिपोर्ट की, कुछ बातें थी जिसमें एक जो महत्वपूर्ण बात थी उसका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विरोध किया गया, इनके ही बेटे के द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक, और वह बात थी, वह लाइन थी जो इसका विरोध कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, वह था डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस वाली बात। ठीक, या औपनिवेशिक औपनिवेशिक स्वराज, औपनिवेशिक स्वराज की जो बात कही जा रही है इस बात का जवाहरलाल नेहरू जी ने विरोध किया। फिर भी मोतीलाल नेहरू जी बोले कि चलिए ये रिपोर्ट में इनको पेश करने दीजिए, अगर ये ब्रिटिशर्स या अंग्रेज गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार ये मेरी अगर नेहरू रिपोर्ट को नहीं स्वीकारती तो जवाहरलाल नेहरू जी जो कहेंगे वह बात मानी जाएगी, ये बात मोतीलाल नेहरू जी ने कही। तो यहां पर 1928 के बाद एक वर्ष का समय दिया गया अंग्रेजों को सोचने के लिए, कौन सी बात को एक्सेप्ट करने के लिए, पूरी नेहरू रिपोर्ट को और साथ ही साथ ये डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए। परंतु एक वर्ष का समय गुजरा और एक वर्ष के समय को गुजरने के पश्चात वर्ष 1929 तक अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट की कोई डिमांड को नहीं स्वीकारा जिसमें यह डोमिनियन स्टेटस वाला डिमांड था। ठीक, अब समझना यह औपनिवेशिक स्वराज क्या होता है। इस औपनिवेशिक स्वराज के तहत यह है कि भारतीयों को या भारत को उस समय अंग्रेज अपने अधीन रखेंगे परंतु आपके आंतरिक क्षेत्रों में आपको स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, आप अपने प्रांतों में स्वतंत्र शासन कर सकते हैं परंतु आपके एक्सटर्नल मामले, बाहरी मामले जिसमें आपके रक्षा संबंधी मामले हैं, सुरक्षा संबंधी मामले हैं, विदेशी मामले हैं, संचार के मामले हैं, ये सब मामले ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेगी। इसे कहा जाता है औपनिवेशिक स्वराज, जिसे जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि हमें इस प्रकार के स्वराज की जरूरत नहीं है और मैं इस बात का विरोध करता हूं। नेहरू रिपोर्ट में यही बात थी। और एक साल के समय के बाद वर्ष 1929 में, याद होगा वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है पिछले क्लास में मैंने बताया था, जो भी छात्र नहीं देखे होंगे देख लेंगे पिछले क्लास को, वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने तो उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज को ठुकराया और कहा कि अब से हम डिमांड करेंगे पूर्ण स्वराज की, कंप्लीटली इंडिपेंडेंस, आधा अधूरा आजादी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, वही नेहरू रिपोर्ट में एक विरोध करने वाली बात थी जिसका जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में की थी और वहीं से उन्होंने कहा कि अब हम बात करेंगे तो पूर्ण आजादी की बात करेंगे और पूर्ण आजादी से एक कदम भी पीछे हम नहीं हटने वाले। क्लियर है यहां तक बातें? ठीक, अब यहां पर नेहरू रिपोर्ट पेश हो गई, लाहौर अधिवेशन हो गया। अब गांधी जी जो अभी आपको बहुत समय से नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है, वर्ष 1922 के बाद उनको जेल में भेज दिया गया था। जेल में जाने के बाद करीबन 6 साल की उनको सजा सुनाई गई थी परंतु 2 साल में ही रिहा हो गए थे, 1924 तक वो रिहा हो गए थे जेल से।
अब गांधी जी जो थे उस समय गांव गांव में घूम रहे थे, और गांव में घूमने के पश्चात वहां पर जो स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दे रहे थे, जैसे चरखे से कपड़े बनाना, मिट्टी के बर्तन इत्यादि, स्वरोजगार, ये सब चीजों को बढ़ावा देने का कार्य गांव में जाकर कर रहे थे। यानी रचनात्मक कार्यों पर गांधी जी का विशेष रूप से ध्यान था। अब गांधी जी वर्ष 1930 में वापस आते, और गांधी जी के वापस आने के बाद गांधी जी अपनी डिमांड रखेंगे। नेहरू रिपोर्ट में डिमांड थी, वो तो एक्सेप्ट नहीं हुई, बट गांधी जी अपनी डिमांड रखें। गांधी जी की डिमांड को कहा जाता है 11 सूत्री मांग, 11 पॉइंट डिमांड। 11 पॉइंट डिमांड को गांधी जी अंग्रेजों के सामने रखते हैं, और रखने के पश्चात यहां पर गांधी जी कहेंगे, अगर आप ये 11 पॉइंट डिमांड स्वीकारते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं एक और आंदोलन करूंगा, एक और आंदोलन करूंगा। ये बात गांधी जी ने कही, और वह आंदोलन होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो याद होगा कि वर्ष 1922 के समय जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय गांधी जी ने कहा था कि मैं असहयोग आंदोलन के साथ साथ सविनय की भी शुरुआत कर दूंगा अगर अंग्रेजों ने बात नहीं मानी। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको अब देखने को मिलने वाला है, और ये शुरू होने वाला है दांडी मार्च के साथ, दांडी मार्च के साथ। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। पहले भी हमने यहां तक पढ़ा था, परंतु वो जो था समानांतर घटनाक्रम को हम पढ़ रहे थे, क्रांतिकारी घटनाओं को पढ़ रहे थे, अब गांधी जी से जुड़ी हुई घटनाओं को हम देख रहे हैं। ठीक, तो यहां पर गांधी जी की 11 सूत्री मांग अस्वीकार करने के पश्चात गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत, दांडी मार्च, दांडी मार्च, दांडी मार्च की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत होनी है 12 मार्च 1930 को। ठीक है, जिसमें गांधी जी साबरमती आश्रम से, गांधी जी साबरमती आश्रम से नवसारी जिले के दांडी तक यात्रा करेंगे, दांडी तक यात्रा करेंगे। ठीक, समझिए, अब गांधी जी की 11 सूत्री मांग अस्वीकार होने के पश्चात गांधी जी दांडी मार्च करने वाले हैं। इस बार जो मूवमेंट या मार्च जो करेंगे उसका उद्देश्य है कि अंग्रेजों के जो गलत कानून है उसे तोड़ना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी क्या कहा गया है कि कानूनों को तोड़ना। ठीक है, कानून टूटता है मतलब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही है। तो यहां पर गांधी जी बोले कि भाई मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अगर अंग्रेजों का गलत कानून आता है तो मैं उसका विरोध करूंगा और मैं अपने मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। तब यहां पर गांधी जी ने इस कानून को तोड़ने के लिए उस समय जो दांडी मार्च किया, उस दांडी मार्च में वो निकलेंगे अपने आश्रम से लेकर दांडी तक, और दांडी तक जाकर वो गांधी जी जिस वस्तु को एकदम गरीबों की एकदम मूलभूत चीज है जिसे वो गांधी जी चुनेंगे और उसे अपना हथियार बनाएंगे और वो कानून तोड़ेंगे, वो होगा नमक। अंग्रेजों का जो नमक कानून है उसे दांडी पहुंचकर गांधी जी क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, नमक यानी इतना इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए नमक को ही क्यों चुना गया उसके ऊपर भी आप थोड़ा सोचिए। नमक चुनने का मतलब गांधी जी समझते थे कि जो लोग हैं, अमीर लोगों को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, अमीर जो कांग्रेस में बड़े बड़े लोग हैं, अमीर तबके के लोग हैं, वो लोग तो चलो आ जाएंगे, बट मैं चाहता हूं कि इस बार जो आंदोलन हो उसमें गरीब तबके के, किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग के लोग उसमें शामिल हो, और उनसे जुड़ा हुआ अगर हम कोई पॉइंट या कोई भी बिंदु अगर लेकर एक आते हैं तो लोग क्या है, जुड़ेंगे। और वो था नमक। नमक भले आपके टूथपेस्ट में नमक हो या मत हो, खाने में नमक होना ही चाहिए, खाने में नमक होना ही चाहिए। क्लियर है? तो गांधी जी बिल्कुल इस बात को गांधी जी समझते थे। इस कारण से एक नमक आंदोलन या दांडी मार्च का आंदोलन गांधी जी शुरू कर रहे हैं। अब गांधी जी अपना यहां से करीबन 78 जो सदस्य हैं, 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी लगभग 78 सहयोगियों के साथ
संयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती से निकलेंगे, और साबरमती से निकलने के बाद ये 78 लोगों की भीड़ जो साथ में जाएगी, वहां पे रघुपति राघव राजा राम इस प्रकार के गाते हुए, पतित पावन सीताराम भजन कीर्तन करते हुए मंडली की तरह आगे बढ़ी, और धीरे धीरे जैसे जैसे जिस जिस गांव में जाते थे, वहां पे गांव के लोग जब यहां से इस भीड़ को जाते हुए पूछते थे कि आप लोग कहां जा रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है, किस कारण से आप लोग ऐसे जा रहे हैं, तब वहां पर ये गांधी जी और उनके सहयोगी उनको बताते थे कि हम जा रहे हैं नमक कानूनों को तोड़ने, जो अंग्रेजों के गलत कानून है, जितने भी अंग्रेजों गलत कानून है उसका विरोध करने, तो क्या आप जुड़ेंगे हमारे साथ। तो जब यहां पर ये बात आती थी तो वहां के ग्रामीण भी, उस आसपास के गांव वाले भी जुड़ते गए। तो यहां पर जो 78 थे वो क्या हो गए, 1000 हो गए, 1000 से धीरे धीरे 10,000 हो गए, फिर लाख की संख्या में यहां पर एक भीड़ बंदी चली, और यह भीड़ आगे गई करीबन 24 दिन के पश्चात यात्रा करते हुए ये 6 अप्रैल तक कहां पहुंच जाएंगे, दांडी पहुंच जाएंगे, और दांडी पहुंचने के बाद वहां गांधी जी के द्वारा नमक बनाकर क्योंकि समुद्र का तटीय क्षेत्र था, समुद्र के तट में नमक ऐसे ही मिल जाते हैं, तो वहां पर गांधी जी ने नमक बनाया और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। तो यहां पर गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचेंगे, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचेंगे और नमक बनाकर अंग्रेजों के गलत कानूनों को तोड़ेंगे, अंग्रेजों के जो गलत कानून है, लॉ है, उसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, अगला जो पॉइंट है, इसी 5 अप्रैल के साथ अगले दिन गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 के दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी गांधी जी करेंगे। समझ में आ रही बातें, गांधी जी ने यहां पर यात्रा चालू की 12 मार्च 1930 को, 24 दिन बाद 24 डेज आफ्टर यहां पर गांधी जी पहुंचेंगे कहां, दांडी में, और दांडी में पहुंचकर गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की जाएगी। तो दांडी मार्च से संबंधित है क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अलावा आपको अगर पूछे कि गांधी जी ने कितने किलोमीटर की यात्रा करी, तो आप बताएंगे 240 मील या 385 किलोमीटर में इतनी यात्रा उन्होंने की थी उस समय, इतनी किलोमीटर की यात्रा की। एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना, कभी आपको पूछ ले कि कितना किलोमीटर गांधी जी चले थे, तो आप बताना 240 मील या 385 किलोमीटर गांधी जी के द्वारा चला गया, गांधी जी के द्वारा चले। क्लियर यहां तक चीजें? ठीक, जितने भी पॉइंट आपको बता जा रहे हैं आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा, ये उम्मीद में करता हूं। अभी हमने प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी है, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अभी कुछ चीजें बची है और कुछ प्रश्न करने भी बचे हैं। तो आज की क्लास में हम जितने चीजों को पढ़े हैं गांधी जी संबंधित, वो हम देख चुके हैं, और अभी हम पहुंचे हैं कहां, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित अभी और घटनाएं बची हैं जो हम देखेंगे अगले क्लास में। ठीक, तो अगले क्लास में इससे संबंधित प्रश्न और आगे के कुछ टॉपिक, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन दो घटनाओं को विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे, और अगले क्लास में हम इसका समापन करेंगे। क्लियर है? धन्यवाद।